हेलो स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपके पास एक इक्वेशन जो है वो अगर बेसिक मीडियम में गिवन है तो आप आइन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ उसे बैलेंस कैसे कर सकते हो राइट तो उसके लिए जो है मैंने मेनली एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.10 फ्रॉम पेज नंबर 276 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस ली है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं पर मैंगनेट आयन ठीक है पर मैंगनेट आयन मीन एम नेगेटिव जिसमें एम जो है मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है प्लस सेवन इन बेसिक सोल्यूशन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन आई नेगेटिव टू प्रोड्यूस अ मोलिक्यूलर आयोडीन आई टू एंड मैंगनीज ऑक्साइड ठीक है इसमें मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज प्लस फोर ओके राइट अ बैलेंस्ड आयनिक इक्वेजन टू रिप्रेजेंट दिस रिडॉक्स रिएक्शन तो आपके पास MnO4 नेगेटिव बेसिक सोल्यूशन में जब आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयोडीन आई टू और मैंगनीज ऑक्साइड एम टू जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आ रही है आपको ये बैलेंस करके लिखनी है राइट तो उसके लिए अगेन हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन आयोनिक फॉर्म ठीक है आपको जो है आयोनिक फॉर्म में अनबैलेंस्ड रिएक्शन जो है वो लिखनी है राइट तो यू कैन राइट योर स्टेप वन इज एम एन ओ फोर नेगेटिव राइट ये आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है ओके एंड इट प्रोड्यूसिस एम एन ओ टू प्लस आयोडीन राइट अब ये थी हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शन आपके पास आई है इसको आपने अगेन टू हाफ रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सेपरेट करना है तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है तो इसके लिए हम हर एक आ, एटम जो एक आयन में और मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे राइट right? अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट आयन है दैट इज एम एन ओ फोर नेगेटिव राइट तो इसमें हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दैट इज माइनस टू ठीक है ओवरऑल चार्ज माइनस वन है मैंगनीज जो है इसकी मैं एक्स्यूम कर लेती हूं ओके सो इफ आई राइट एक्स माइनस टू इंटू फोर आइटम ऑफ ऑक्सीजन है सो फोर हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन आ गया एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन ठीक है सो so ये माइनस एट जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो इट विल बी प्लस एट सो एट माइनस वन एक्स इक्वल टू प्लस सेवन आ गया राइट right, तो ये हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एम की वो भी आ गई है ठीक है अगर आपने फाइंड आउट नहीं करनी है तो आपके पास क्वेश्चन में भी जो है प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज की गिवन है ठीक है नेक्स्ट वन इज आयोडाइड आयन ठीक है अब आयोडाइड आयन की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगल एटम है ठीक है तो ऑब्वियसली इसका जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा सो इसका आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया माइनस वन नेक्स्ट वन इज एम एन ओ टू ठीक है अब एम एन ओ टू अगर तो हम फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो इसकी हम माइनस वन एज्यूम करेंगे ओके okay? इसकी हम एक्स एज्यूम करेंगे ओवरऑल चार्ज जीरो है सो so एक्स माइनस टू इन टू टू इक्वल टू जीरो आ गया राइट एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो सो ये माइनस फोर जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये प्लस फोर हो जाएगा ठीक है सो एक्स इक्वल टू प्लस फोर आ गया लेकिन अगर आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन में भी जो है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है दैट इज प्लस फोर राइट तो अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है सभी की फाइंड आउट कर ली है ठीक है तो आप मेंशन कर दोगे सभी पे सो स्टेप टू आप लिख लो आपने यही इक्वेशन जो है फिर से लिख ली एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस आई नेगेटिव गिव राइज टू एम एन ओ टू प्लस आई टू राइट आई टू की अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल है वो तो एटम कह लो एलिमेंट कह लो मॉलिक्यूल कह लो अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी जो एलिमेंटल स्टेट uh, में ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होता है ठीक है तो अब हमने सभी के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड आउट कर लिए हैं तो सभी के हम मेंशन कर देंगे एम एन का कितना आ रहा है दैट इज प्लस सेवन ठीक है ऑक्सीजन का माइनस टू है आयोडीन का माइनस वन है राइट एम एन ओ टू में एम एन का कितना है प्लस फोर ऑक्सीजन का माइनस टू आयोडीन की अभी हमने बात की है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होगी राइट तो अब देखें तो ऑक्सीजन का जो है रिएक्टेंट साइड भी माइनस टू है और प्रोडक्ट साइड भी माइनस टू है लेकिन अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सेवन से प्लस फोर डिक्रीज कर रही है तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास मैंगनीज का डिक्रीज कर रहा है बाय थ्री ठीक है और आयोडाइड आयन से आयोडीन की बात करें तो माइनस वन से जीरो हो है, है? तो ये क्या है यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव टू जीरो या फिर जीरो टू पॉजिटिव अगर जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है सो so, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय वन आ गया राइट तो अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है उसकी क्या होती है रिडक्शन होती है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है राइट right? ये हमने पिछले वाले एसिडिक मीडियम में भी बात की थी सो यू जस्ट मेंशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ठीक है अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें पता चल गई है सो so, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है आयोडाइड आयन टू आयोडीन सो आई नेगेटिव टू आई टू आ गया राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हमारे पास एमएन की हो रही है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये हो जाएगी सो एम एन ओ फोर नेगेटिव टू आ गया राइट right? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्टेप थ्री क्या कह रहा है अगेन स्टेप थ्री में बैलेंस दी एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली ठीक है अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन गिवन है और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन गिवन है इनमें ऑक्सीजन और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स सभी को बैलेंस करना है राइट तो अगर मैं देखूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की पहले बात करें तो यहां पे रिएक्टेंट साइड एक आयोडीन एटम प्रेजेंट है लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास दो आयोडीन एटम है ठीक है तो मैं क्या करूंगी रिएक्टेंट साइड इंटू टू कर दूंगी और अगर हम देखें मैंगनीज इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो मैंगनीज रिएक्टेंट साइड भी वन ही है और प्रोडक्ट साइड भी वन ही है ठीक है तो ये रिएक्शन जो है एज इट इज आ जाएगी सो यू कैन मैंशन योर स्टेप थ्री इसमें आपने ये जो है आयोडाइड आयन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गिव राइज टू आई टू हो गया राइट right? और मैंगनीज जो है पर मैंगनेट आयन जो है वो एज इट इज आ जाएंगे एज वेल एज जो हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड गिवन है राइट सो इट विल बी एम एन ओ फोर नेगेटिव गिव राइज टू एम एन ओ टू ठीक है अब ये हमारे पास स्टेप थ्री जो है वो कंप्लीट हो गया है नाउ द नेक्स्ट दैट इज स्टेप फोर अब स्टेप फोर में क्या बोल रहे हैं फॉर द रिएक्शन इन अ बेसिक मीडियम फर्स्ट बैलेंस डन इन एसिडिक मीडियम ठीक है आपके पास बोल रहे हैं कि अगर आपके पास रिएक्शन बेसिक मीडियम में है फिर भी आप क्या करोगे आपने जैसे पहले एटम एसिडिक मीडियम में बैलेंस किए थे वैसे ही आप इसमें बैलेंस करोगे देन फॉर ईच एच पॉजिटिव आयन एड एन इक्वल नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आइंस टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेजन अब जो हमारे पास एच पॉजिटिव आइंस आए हैं आप इसके लिए क्या करोगे आप उस इक्वल नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आइंस जो है दोनों साइड में एड करोगे वेयर एच पॉजिटिव एंड ओ एच अपियर ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन। कंबाइन दीज टू गिव एच टू ओ ठीक है कि हमारे पास जो सेम साइड में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आएंगे उनको आप रिएक्ट करवा के वाटर बना दोगे राइट right? तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि हमने एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस किया था ये हमारे पास एसिडिक मीडियम के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था ठीक है तो इसमें क्या कह रहे हैं स्टेप फोर में फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम एड एच टू टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स एंड एच पॉजिटिव टू बैलेंस एच एटम्स ठीक है कि अब आपने देखना है कि आपके पास जो ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करोगे अब अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास फोर ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास टू ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे हम प्रोडक्ट साइड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो एड कर देंगे राइट तो स्टेप फोर क्या बन जाएगा आपका add two molecules of h2o on product site bracket may in reduction half reaction right? तो ये जो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको एज इट इज ही लिख लेंगे टू आई नेगेटिव गिव राइज टू आई टू ठीक है इसमें हम क्या करेंगे प्रोडक्ट साइड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो एड कर देंगे सो एम एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ आ गया राइट अगर हम देखें तो हमारे पास फोर हाइड्रोजन एटम जो है आ रहे हैं ठीक है तो इन हाइड्रोजन एटम्स को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम ऑपोजिट साइड एच पॉजिटिव आइन्स जो है एड कर देंगे तो ये अगर मैं ए स्टेप कह देती हूं तो बी स्टेप क्या हो जाएगा एड फोर एच पॉजिटिव आय ऑन रिएक्टेंट साइड इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन नाओ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज इट इज आ गई टू आई नेगेटिव गिव राइज टू आई टू आ गया ठीक है और रिडक्शन हाफ में हमने रिएक्टेंट साइड फोर एच पॉजिटिव आइन्स जो हैं ऐड कर दिए ओके सो इट विल क्वेश्चन है वो खत्म नहीं होता है क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास जो रिएक्शन है वो बेसिक सॉल्यूशन में चल रही है मतलब बेसिक मीडियम में चल रही है तो हम क्या करेंगे हम ये जो H पॉजिटिव आयन है इनको बैलेंस करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन रिएक्टेंट साइड भी ऐड करेंगे और प्रोडक्ट साइड भी ऐड करेंगे राइट सो अगेन इसका सी स्टेप क्या आ जाएगा एड फोर ओ एच नेगेटिव आयन बोथ ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन ठीक है कि आपने रिएक्टेंट साइड भी फोर ओ नेगेटिव ऐड करने हैं और प्रोडक्ट साइड भी इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव और O ऑक्सीजन एटम जो है वो केवल रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आ रहे हैं राइट right? तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज इट इज आ गई टू आई नेगेटिव गिव राइज टू आई टू ओके okay. एंड uh, इस साइड हमने एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस फोर ओ एच नेगेटिव गिव राइज टू एम एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस फोर ओ एच नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हमने रिएक्टेंट साइड भी फोर ओ एच नेगेटिव एड करने हैं और प्रोडक्ट साइड फोर ओ एच नेगेटिव एड करने हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे थे फोर एच पॉजिटिव और फोर ओ एच नेगेटिव आइन्स आए हैं इनको आपने कंबाइन करके क्या करना है वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देना राइट right? तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं फोर एच पॉजिटिव प्लस फोर ओ एच नेगेटिव की तो इट विल फॉर्म फोर एच टू ओ राइट क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ के देखती हूं एच टू ओ एक सिंगल मॉलिक्यूल को तो इट विल बी एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव तो ऑब्वियसली फोर ठीक है सो फोर आ गया एंड हियर अगेन फोर आ गया राइट एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फोर एच टू ओ गिव राइज टू एम एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस फोर ओ एच नेगेटिव राइट ये हमारे पास रिएक्शन आ गई अब अगर हम इस एरो को जो है वो इक्वल टू मान के चलते हैं तो ये जो टू एच टू ओ है ये जब हमारे पास रिएक्टेंट साइड आएगा तो ये माइनस की टर्म बन जाएगी प्लस जो है राइट तो फोर माइनस टू दैट विल बी टू सो इट विल बी एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस टू एच टू ओ गिव राइस टू एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच नेगेटिव राइट तो ये आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गई है ठीक है तो हम रीअरेंज करके दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इकट्ठी लिख लेते हैं राइट right? तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आई थी टू आई नेगेटिव गिव राइज टू I2 ठीक है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने क्या निकाल ली है दिन ओ फोर नेगेटिव प्लस टू एच टू ओ प्लस फोर ओ एच नेगेटिव नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बोल रहे हैं अब अपने चार्ज बैलेंस करना है एड इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस चार्जेस इफ नीड बी मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन दी टू हाफ रिएक्शन बाई मल्टीप्लाइंग वन और बोथ हाफ रिएक्शन बाई एप्रोप्रिएट नंबर ठीक है अब आपने सभी का चार्ज बैलेंस करना है ओके तो अगर मैं देखू तो मेरे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है इसमें कितना चार्ज आ रहा है इसमें हमारे पास नेगेटिव माइनस चार्ज आ रहा है ठीक है तो अगर मैं ये माइनस चार्ज की बात करती हूँ ठीक है ये माइनस वन है इसमें दो एटम है तो ये क्या हो जाएगा इंटू टू हो गया ठीक है तो इट विल बी माइनस टू लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो प्रोडक्ट साइड मेरे पास जीरो चार्ज आ रहा है ठीक है तो मुझे क्या करना होगा रिएक्टेंट साइड का चार्ज अगर मैं प्रोडक्ट साइड के चार्ज के साथ इक्वल करना चाहती हूं तो मुझे प्रोडक्ट साइड दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐड करने होंगे वाई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास माइनस वन आता है दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट विल बी माइनस टू राइट right? तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑन प्रोडक्ट साइड दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो इट विल बी टू आई नेगेटिव गिव राइज टू आई टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पे माइनस वन चार्ज है ठीक है और अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो मेरे पास माइनस फोर चार्ज है ठीक है अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं इस साइड माइनस वन चार्ज है और इस साइड हमारे पास कितना चार्ज आ रहा है दैट इज माइनस फोर ओके तो ये माइनस वन को माइनस फोर के इक्वल अगर मैं करना चाहती हूं तो मुझे क्या करना होगा रिएक्टेंट साइड मुझे तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे ठीक है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हमारे पास माइनस वन आता है तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे माइनस वन माइनस थ्री दैट विल बी माइनस फोर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का जो चार्ज है वो इक्वल आ जाएगा सो वट यू विल डू यू विल एड थ्री इलेक्ट्रॉन ऑन रिएक्टेंट साइड सो एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस टू एच टू ओ प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन आ गए गिव राइज टू एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच नेगेटिव ओके अब हमने क्या करना है हमने ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आ रहे हैं और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आ रहे हैं इनको कैंसिल करना है लेकिन ये तो इक्वल नहीं है ठीक है अगर मैं इसमें से इसको कैंसिल कर भी देती हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा तो मुझे क्या करना है कि इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स वाली टर्म है उनको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल आ जाए राइट तो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और मेरे पास जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल आ जाएंगे सो स्टेप फाइव में बी पार्ट क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विथ थ्री एंड Reduction हाफ रिएक्शन विथ टू ठीक है तो ऑब्वियसली इसको थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई दैट विल बी सिक्स आई नेगेटिव गिव rise टू थ्री आई टू राइट प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन आ गया ठीक है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आ गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने इंटू टू करना है सो टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फोर एच टू ओ राइट प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन गिव राइस टू टू एम एन ओ टू प्लस एट ओ एच नेगेटिव आ गया राइट right? अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बोल रहे हैं स्टेप सिक्स इज एड दी टू हाफ रिएक्शंस टू अचीव दी ओवरऑल रिएक्शन एंड कैंसिल द इलेक्ट्रॉन ऑन ईच साइड दिस गिव दी नेट आयनिक इक्वेशन अब आपने जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इनको आपस में एड कर देना है राइट तो आपका स्टेप सिक्स आपको अब ये इस इक्वेशन को इक्वेशन वन मान लो ठीक है इसे इक्वेशन टू मान लो सो एड इक्वेशन वन एंड टू वी गेट तो ये क्या हो जाएगा टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस सिक्स आई नेगेटिव प्लस फोर एच टू ओ plus 6 electron give rise to 2 MnO2 plus 3 I2 right plus 8 OH negative plus 6 इलेक्ट्रॉन आ गया ठीक है ये सिक्स इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिएक्टेंट साइड लेके जाती हूं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा ठीक है ये पॉजिटिव है उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मैं इन सिक्स इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल कर सकती हूं राइट right, तो अब मेरे पास नेट इक्वेजन क्या आ गई दैट इज टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस सिक्स आई नेगेटिव प्लस फोर एच टू ओ गिव राइज टू टू एम एन ओ टू प्लस थ्री आई टू प्लस एट ओ एच नेगेटिव राइट ये आपके पास नेट इक्वेशन आ गई तो अब ये स्टेप सेवन में क्या आप बोल रहे हैं वेरीफाई दैट द इक्वेशन कंटेन्स द सेम टाइप एंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड द सेम चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन अब आपने वेरीफाई करना है कि क्या आपके पास ये जो नेट इक्वेशन आई है इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स और एटम्स जो हैं क्या वो सेम टाइप के हैं कि नहीं है ठीक है तो हम एक साइड रिएक्टेंट लिखेंगे दूसरी साइड प्रोडक्ट द फर्स्ट वन इज एम एन मैंगनीज मैंगनीस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड दो एटम आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड भी दो एटम आ रहे हैं ठीक है आयोडीन uh, की बात करें तो रिएक्टेंट साइड मेरे पास सिक्स एटम आ रहे हैं और प्रोडक्ट साइड देखें तो यहाँ पे भी सिक्स एटम आ रहे हैं ओके ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे पास टू इंटू फोर एट और फोर एट और फोर ट्वेल्व हो गए राइट right? और अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूं तो टू इंटू टू फोर और एट दैट आर ऑल्सो 12 ठीक है अब हाइड्रोजन देख लेते हैं सो so फोर इंटू टू एट एट हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखें तो यहां पे भी एट हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट मीन्स आपकी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है ओके okay?